दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग एलेवन मोबाइल का मदरबोर्ड किस तरह तब्दील करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले इसका सिम ट्रे निकाल ले। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल दे कवर खोलने के बाद सबसे पहले आपने इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद इस पर डिस्प्ले वाला जैक और चार्जिंग फ्लेक्स वाला जैक लगा ले और इसका एंटीना के जो तार है ये निकाल लें और इसका फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है वो निकाल दे और इसके ऊपर हिस्से के जितने भी पेज हैं सारे पेज खोल ले एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए पेज खोलने के बाद इसका मेन बोर्ड जो है ये मोबाइल के पैनल से निकाल दे तो दोस्तों अगर आपके नए बोर्ड में कैमरे है तो ठीक है वरना इस पुराने मोबाइल से कैमरे निकाल कर उसमें लगा ले अक्सर मेन बोर्ड में कैमरे नहीं आते हैं तो आपने पुराने वाले से निकाल देने और उसमें लगा देना है लेकिन जो कैमरा जहाँ से निकाला था वहीं पर वही कैमरा लगाना है अगर आपसे भूल गए हो तो फिर मोबाइल के पैनल में जो साइज़ है उस हिसाब से इसमें कैमरे लगा ले। कैमरा को उस उसी जगह में रख ले मोबाइल के पैनल में जो बड़ा कैमरा है तो उसमें फ़िट हो जाएगा छोटा छोटे वाले में फ़िट हो जाएगा तो इस हिसाब से आप कैमरे उसमें लगा लें और मेन बोर्ड को मोबाइल के पैनल में बिल्कुल सही तरह से बिठा दे जब यह बैठ जाए फिर इस पर डिस्प्ले वाले जेक और चार्जिंग फ्लेक्स वाले जेक लगा ले और एंटीना वायर कनेक्ट कर दे और इस पर ये कवर जो है ये रख कर इस पर पेच लगा ले इसको सही तरह से बिठा दे जब ये सही तरह से बैठ जाए फिर इस पर पेच लगा ले तो दोस्तों इस पर वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे दूसरे पेच नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपके स्क्रीन को तोड़ देंगे पेच लगाने के बाद सबसे आखिर में उसके पहले फिंगरप्रिंट सेंसर लगा दे और सबसे आखिर में बैटरी को कनेक्ट कर दे अब इस पर कवर बिल्कुल सीधा रख कर इसको साइडों से थोड़ा सा जोर दे दे तो ये ख़ुद खुद फिट हो जाएगा ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है और आखिर में इसमें सिमटरे डाल दे तो दोस्तों वीडियो दो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया